नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। वित्त मंत्री जेटली ने टीम केजरीवाल पर ठोका 10 करोड़ का मानहानि दावा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके 5 नेताओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। जेटली ने केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि नेताओं ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने भी आरोप लगाए हैं कि जेटली के डीडीसीए के अध्यक्ष रहते हुए संस्था में वित्तीय अनियमितताएं हुई। सीरिया में रूसी विमानों के हमले में कई मरे, 150 घायल। सीरिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित शहर इदलिब पर रविवार को हुए हवाई हमले में कई लोग मारे गए और 150 लोग घायल हुए। समझा जाता है कि हमलावर विमान रूस के थे। बचाव कर्मियों तथा स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर के मध्य भाग में कम से कम 6 हमले किए गए। जिस क्षेत्र में हमला किया गया वह आवासीय क्षेत्र भी है तथा वहाँ कई सरकारी भवन है। स्थानीय लोगों के अनुसार 43 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट में निर्भया केस की याचिका खारिज, मां बोली इंसाफ नहीं मिला। दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषी को और जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से पूछा किस कानून के तहत हम नाबालिग दोषी को जेल में रख सकते हैं। इसी बीच आज राज्यसभा में किशोर कानून में संशोधन पर सभी राजनीतिक दल चर्चा पर राजी हो गए हैं। इस फैसले पर निर्भया के माँ बाप ने बेहद निराशा जाहिर की। निर्भया की माँ ने कहा कि जिस तरह मैंने 14 में अपील डाला था उस तरह से खारिज हो गया था, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं थी, कम से कम इस जुगनाइल के बारे में कि वहाँ कुछ होगा। मुझे पता था कि वहाँ भी खारिज हो जाएगा, इसीलिए मैं आज कोर्ट नहीं गई। आज एक बार फिर क्राइम जीत गया और इंसाफ हार गया। फिलीपींस की पिया ओलंजो बनी मिस यूनिवर्स। मिस फिलीपींस पिया ओलंजो बुटबाक ने यहां आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। शुरुआत से विवादित रही इस प्रतियोगिता का समापन भी उस वक्त विवादित हो गया जब आयोजक स्टीव हार्वे ने गलती से मिस कोलंबिया के विजेता होने की घोषणा कर दी। गलत घोषणा के बाद कोलंबिया की 21 वर्षीय एरियाना गुटियरेज अरेवेलो को पिछले साल की मिस यूनिवर्स पॉलिना वेगा ने क्राउन पहना दिया था। बाद में सुश्री अरेवेलो का ताज उतारकर 26 वर्षीय मिस फिलीपींस को सौंपना पड़ा। ओक्लाहोमा की ओलिविया जॉर्डन इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। इस साल प्रतियोगिता में पहली बार दर्शकों को वोट देने तथा प्रतिभागियों के स्विमवियर, इवनिंग गाउन एवं साक्षात्कार प्रतियोगिता पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार दिया गया था। विराट कोहली भी अरुण जेटली के बचाव में उतरे। डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिल्ली के ही स्टार क्रिकेटरों का समर्थन मिलना लगातार जारी है। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के बाद अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली भी जेटली के समर्थन में कूद पड़े हैं। कोहली ने ट्वीट करके जेटली के कार्यकाल की प्रशंसा की है। विराट ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरुण जेटली ने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली क्रिकेट के साथ ही प्लेयर्स की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।